नमस्कार, शुभ प्रभात। आज भारतीय पंचांग के वर्ष का अंतिम दिन है। आइए जानते हैं क्या बता रहे हैं आज के समाचार पत्र। समाचार पत्रों के अनुसार देश के प्रति विदेशों में बढ़ रही अराजकता का विषय चिंतित करने वाला है, जिस पर भारतीय संविधान के अंतर्गत जांच एजेंसी और पुलिस पूरी तत्परता से अपने काम में लगी है। देश की अखंडता पर आंच डालने वाले पर देश ही नहीं विदेशों में भी कड़ी कार्यवाही हो रही है और लगातार खंडित हो रहे संसद सत्र पर सरकार और विपक्ष दोनों को इसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा भाव आज के समाचार पत्रों में है। ममता दीदी के बयान के बाद अब अधीर जी ने भी बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, तो बिहार से केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उपमुख्यमंत्री का बयान और ओवैसी की रोंग टाइम एंट्री से बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरणों का समाचार पत्रों ने अपना आकलन किया है। उधर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच रोज की तरह एक और समस्या आज के समाचार पत्र उजागर कर रहे हैं, ये भी चिंता का विषय है। साथ ही MSP गारंटी पर किसानों की अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन और बेमौसमी बारिश दोनों किसानों की परिस्थितियों को जता रही है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा वन रैंक वन पेंशन पर निर्देश दिया है। उधर चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता सहित जापान के प्रधानमंत्री द्वारा गोलगप्पे खाने का समाचार प्रमुखता से आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। इन सभी अपडेट के साथ कल तक के लिए आपको नारद प्रणाम और आशा करते हैं कल आप भारतीय नववर्ष का विशेष रूप से स्वागत करेंगे और कुछ सुझाव हो तो हमें भेजिएगा कमेंट बॉक्स। आपके स्वागत के लिए सदैव तैयार रहेंगे। आपका दिन शुभ हो।